नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दो वीकली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जिन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म से लेके थोड़ा हमें 3 से 4 साल का व्यू रखना है और इन स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली आगे देखने को मिल सकती है, मोमेंटम आ सकती है। वो स्टॉक्स जिन स्टॉक्स में हम लोग आगे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे आज ये मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका हूँ। अगर आप लोग को भी इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, खरीदारी करनी है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और खुद की स्टडी यहाँ पे जरूर करना। क्योंकि दोस्तों, हमेशा आपको मैं एक चीज़ बताता आता हूँ कि कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हाँ ठीक है, कोई चार्ट बता रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसको आपको थोड़ा उसका व्यू आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक, ये आदमी या बंदा कोई भी बता रहा है, या टीवी वाले जो भी एनालिस्ट है वो बता रहे हैं, तो इनका चार्ट में क्या ऐसा मतलब दिख रहा है, वो इसलिए स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसको स्टडी खुद करें, ताकि क्या ओवरऑल आपको भी थोड़ा बहुत, कभी कभी बहुत सारे स्टॉक में हमें ऐसे रैंडमली बाइंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, तो हमारा एक तो जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसमें हम लोग ऐसे फंस जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत चार्ट को स्टडी करें और खुद को यहाँ पे आपकी स्किल को और भी बढ़ाएं, और इसी मकसद से मैं आप लोग के साथ ये चार्ट ऑफ द वीक की सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कौन से चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। दो स्टॉक्स है और दोनों स्टॉक्स में आपको के साथ प्रॉपर एनालिसिस करके शेयर करूंगा, और एक स्टॉक कंटिन्यूशन यहाँ पे कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड को कर रहा है, और एक स्टॉक यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है, वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो स्टॉक में आया है और बहुत ही शानदार यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और वीडियो के एंड में एक और स्टॉक का चार्ट आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर भी आप नेक्स्ट वीक में आप यहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हो, उसमें भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है, तो वो स्टॉक भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, वो वीडियो के एंड में करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट ऑफ द वीक का। आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है यहाँ पे एसीसी सीमेंट। दोस्तों, यहाँ पे एसीसी सीमेंट का यहाँ पे चार्ट आप देख रहे हो, वीकली चार्ट है, क्योंकि हमें वीकली चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, 3 से 5 साल का व्यू रख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक रेक्टेंगल पैटर्न टाइप यहाँ पे बॉक्स बना है, बॉक्स पैटर्न हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस था इसने 2015 का, उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे इसके ऊपर कंटिन्यू एक 2021 से बना हुआ है, लेकिन इसने जो पिछला हाई है ना, प्रीवियस हाई यहाँ पे ये वाला, यहाँ से ये रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन नीचे का लेवल जो सपोर्ट है, वो जो रेजिस्टेंस था पहले हमारे लिए, वो सपोर्ट बन चुका है, लेकिन यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, और ये ऊपर की तरह लेवल जो है 2700 का अराउंड ये लेवल कुछ निकल के आ रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा इसमें अच्छा वॉल्यूम मुझे कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके हाई के ऊपर निकलेगा तब हम एक पोजिशनली हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके हाई के ऊपर निकलने देना और एक 1 से 2 डेज यहाँ पे क्लोजिंग होगी ना, तो फिर हमें एक अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में नज़र बनाए रख सकते हो मंडे के सेशन में। तो इसी ये स्टॉक्स हो गया हमारा चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट स्टॉक जो है, इसका एंट्री प्राइस होगा हमारा एसएससी लिमिटेड का 2770, यानी कि इसका ये हाई वीक है, इसके ऊपर गए इनके आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो इसके ऊपर वेट करना है हमें, और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें। तो 2770 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 3340 3340 का रहेगा, और फाइनल जो टारगेट यहाँ पे मिलेंगे मुझे लग रहा है देखने को मिल सकता है जो 3700 का लेवल है, वो आपको टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी टाइम से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और इसलिए आगे के टारगेट भी मुझे यहाँ पे बड़े टारगेट आपको देखने को मिले। अगर आपको टारगेट निकालना, ये लेवल आपको और ये लेवल को भी आप मार्क करके ऊपर का टारगेट निकाल सकते हो, क्योंकि इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम इसने अपने आप को होल्ड किया है, तो आगे ये टारगेट आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, और भी ऊपर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो और भी अच्छे मोमेंटम
इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको इसका स्टॉप लॉस बता दूं, जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है इसमें एसएससी लिमिटेड में, जो कि 2480 का निकल के आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास आपको इस कैंडल के लो के पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपको मैंने 3700 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे विद इन 2 से 3 साल के टारगेट आपको यहाँ पे 3 साल में देखने को मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है चार्ट ऑफ द वीक का, वो है हमारा नेटिको फार्मा। नेटिको फार्मा लिमिटेड में देखिए आप ये स्टॉक में भी अच्छी मोमेंटम आई है, लेकिन ये अपने अप ट्रेंड में 2017 से लेके 5 से 6 साल का करेक्शन यहाँ पे हुआ है, और इसके बाद में अपने आप को इस रेंज को ऊपर नहीं निकाल रहा है, यानी 1100 का लेवल को निकाल नहीं पा रहा था। यहाँ पे 1100 का लेवल से ऊपर अभी गया नहीं है, लेकिन अभी एक इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और इसका टारगेट भी मुझे बहुत ही यहाँ पे बड़ा टारगेट दिखने को मिल सकता है। मुझे यहाँ पे इसका पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका पैटर्न जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और आपको यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में अच्छी गिरावट आई है, उसके बाद में एक ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये राइट हेड हो गया आपको, ये राइट शोल्डर हो गया। तो मैं एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में आपको ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया, और ये राइट शोल्डर हो गया, ये हमारी नेक लाइन हो गई, और इसके ऊपर इसने आज वॉल्यूम के साथ में आज के दिन फ्राइडे में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ आप 15% का यहाँ पे इस कैंडल में एक वॉल्यूम के साथ अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में हम आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इस वॉल्यूम के साथ में हुआ, लेकिन यहाँ पे एक 15% की कैंडल ये बनी है, लेकिन अभी हमें कम से कम यहाँ पे 950 से लेके 1000 के आसपास कहीं के मिलता है, तो आप लोग का स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन आप करंट प्राइस पे भी बाइंग कर सकते हो, जो कि इसका करंट प्राइस है वो है 1050। इसके हाई के ऊपर निकलेगा, तो अब यहाँ पे 1050 के ऊपर बाइंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 940 का, तो आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रिटेस्ट कहीं ना कहीं 950 के आसपास कहीं कहीं मिलता है, 1950 के आसपास, तो वो बहुत ही शानदार हमारी एंट्री होगी। तो इसको इस प्राइस के आसपास अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, यहाँ तक आ सकता है ये स्टॉक्स, यहाँ पे कम से कम 940 के आसपास आएगा, तो आपकी कैपेसिटी है ये रिस्क लेने की, तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 1290 का रहेगा, और फाइनल जो टारगेट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसका मैंने मार्क करके रखा है, 1640 का लेवल यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जरूर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतना जो डिफरेंस है ना, ये ऊपर की तरफ आपको आसानी से देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस जो मैंने 940 का दिया, आपको कहीं ना कहीं ये स्विंग लो आपको स्टॉप लॉस रखना, अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, अगर यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग कर रहे हो, तो फिर इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखना है, वो होगा आपका कम से कम 840 का रहेगा। अगर आपको रिटेस्ट में बाइंग कर रहे हो तब की बात करो, अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा हमारा 940 का, ठीक है। दोनों स्टॉप लॉस मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो गए हमारे चार्ट ऑफ द वीक के दोनों स्टॉक है। अब मैं थोड़ा एक स्टॉक की ओर लेके चलता हूँ, इस स्टॉक के मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पे इस स्टॉक में देखिए काफ़ी टाइम से स्टॉक्स में 2022 से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और एक कैंडल ने इसके हाई के आसपास क्लोजिंग दिया, तो इस स्टॉक को भी आप यहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हो नेक्स्ट वीक में। और इसका जो टारगेट है 2500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे मुझे 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी अपनी नज़र जरूर बनाए रखें। अब मैं आपको एक लास्ट वीक में स्टॉक दिया था BPCL, तो लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक्स का रिसर्च किया था, हमने कुछ 31 तारीख को कहीं ना कहीं 3 फेब को, तो उसमें मैंने स्टॉक दिया था BPCL। इस स्टॉक को 560 के ऊपर हमको बाइंग करना था, और इसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए रिकमेंड किया था। इस स्टॉक्स ने हमारा ऑलमोस्ट वन वीक में ही हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया, जो कि मैंने बताया था 680 का, और इसने हाई जो लगाया था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
690 के आसपास कुछ ना कुछ हाई लगाया था। तो ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग का प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर बताइए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको चाहिए वो भी मुझे बताएं ताकि मैं भी आप लोग के लिए वीडियो हमेशा कंटिन्यू बना के आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहता हूँ और कुछ चार्ट भी पोस्ट करता रहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनली, तो वो सारे आप लोग को अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।